सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां अस्यां कक्षायां स्वागतम् अस्ति। आगच्छन्तु पञ्चमः पाठस्य शेष भागः ज्ञास्यामः। पञ्चमः पाठ किम् आसीत्? गीर्वाण भारती। किम् आसीत्? दिव्या गीर्वाण भारती। कस्याः विशेषणपदम्? संस्कृत भाषायाः विशेषण पदम्। इदं पदम् संस्कृत भाषायाः विशेषण पदम् अस्ति। किमस्ति? संस्कृत भाषायाः विशेषण पदम् अस्ति। अत्र मया लिखितम् अस्ति। शुभ्रा कथयति। शुभ्रा किं कथयति? कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम् मालविकाग्निमित्रम् विक्रमोर्वशीयम् च एतानि त्रीणि नाटकानि। ये तीन नाटक जो हैं कालिदास के द्वारा ही रचे गए हैं, जो कि आजकल बीए एमए में पढ़ाई होती है ये नाटक। और आपको भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नाटक को नाटक के तरीके से यदि पढ़ा जाए और नाटक को नाटक के तरीके से बोला जाए तो निस्संदेह कोई भी चीज़ आप तक पहुँच जाती है और समझ में आती है। इसलिए इसे पढ़ने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। कालिदास ही न एव रचितानि अज्ञान शाकुंतलम् मालविकाग्नि मित्रम विक्रमोर्वशीयम् च एतानि त्रीणि नाटकानि। शुभ्रा कथयति तदा वरुणः अपि कथयति। किं कथयति? वरुणः कथयति शिशुपालबद्धं माघेन रचितं काव्यं। गौरवः कथयति नीतिशतकं भर्तृहरिणा लिखितं। नीतीश कहता है पंचतंत्रं विष्णुशरमणा लिखितं। फिर बलवीर कहता है कादंबरी वानभट्टेन लिखित विरचिता कथा। वानभट्टेन विरचिता कथा। सुमेरा कहती है किं विज्ञान संबंधिनः मानव जीवन जीवनोपयोगिनः ग्रंथा अपि संस्कृते सन्ति। विवेक कहता है आम आयुर्वेदः धनुर्वेदः अर्थशास्त्रं कृषि विज्ञानं वास्तुशास्त्रं दूरदर्शनशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं वृक्षायुर्वेदः विमानविज्ञानं च एते विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति। के विषयाः सन्ति? आयुर्वेदः धनुर्वेदः अर्थशास्त्रं कृषिविज्ञानं वास्तुशास्त्रं दर्शनशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं वृक्षायुर्वेदः विमानविज्ञानं च एते विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति। अवश्यमेव पठितव्यं संस्कृतम्। प्रणवः व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथः कः? प्रणवः पृच्छति व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथः कः? कः च तस्य रचयिता? प्रज्ञा उत्तर देती है अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथः अस्ति। पाणिनिः च तस्य प्रणेता आसीत। पाणिनिः च तस्य प्रणेता आसीत। इस प्रकार से सभी के सभी आपस में क्या करते हैं? सभी आपस में क्या करते हैं? अंतराक्षरी करते हैं। क्या करते हैं? अंतराक्षरी। मतलब ये पूछने का जो सिलसिला है वह आरंभ करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं और फलस्वरूप क्या होता है कि यह जो प्रश्नोत्तरी जो आयोजित की जाती है वह प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संस्कृत के विषय में गूढ़ रहस्यों को बताकर जाती है। तो फिर आचार्य अंत में कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं
आचार्य कहते हैं साधु, क्या कहते हैं साधु, साधु का अर्थ होता है अच्छा। आचार्य कहते हैं साधु, साधु युष्माभिः अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धिनी च इयम् प्रश्नोत्तरी आयोजिता। अनया खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचयः प्राप्यते। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम् अस्याम् एव निहितम् अस्ति। परंतु आज के जो परिवेश में, आज के समय में कुछ हद तक सरकारें भी और कुछ हद तक निजी स्कूल के कुछ प्राचार्य लोगों ने मिलकर के इसको दबाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वो खुद के खुद अनार्य हो गए हैं। अनार्य कहने का तात्पर्य उनके अंदर में सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, साथ ही साथ उनके अंदर में कोई संस्कृति नाम की चीज नहीं है, तो वो अगले में पनपते हुए कैसे देखना चाहेंगे। इसलिए वे लोग मिलकर के संस्कृत, भारतीय जो संस्कृत है और संस्कृति है उसको मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए हम सभी शिक्षक आपसे आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि यदि आप अपने आप को वास्तव में भारतीय समझते हैं तो आज ही संकल्प करें वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः। वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः। हम सभी इस मधुर भाषा की सदैव रक्षा करेंगे। तो रक्षा कैसे करेंगे? तो इनका अध्ययन करके। जब आप इनका अध्ययन करेंगे तो संस्कृत भाषा सुरक्षित रहेगी। अतः आप सभी से निवेदन है, यदि जब कभी भी आपको यदि क्लास 9th में संस्कृत लेने की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक आप संस्कृत लें, और यदि हिंदी है तो आप हिंदी ही ऑप्शन है, तो ऐसे इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। परंतु यदि आपके पास ऑप्शन है संस्कृत, तो अधिक से अधिक संस्कृत का अध्ययन करें और संस्कृत भाषा की रक्षा में आप अपना योगदान दें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत की रक्षा करने के लिए, संकल्प लिए। तो आइए गाते हैं कुछ। वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारतम, भारतम भारतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, संस्कृतम संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। तो इस तरह से आप सभी को इस गीत को अवश्य मन में दोहराते रहना है, और मन में दोहराते रहेंगे तो निसंदेह आपके जो आपने जो संकल्प किया है वयम एताम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः यह संपूर्ण होगा। तो आइए इनके प्रश्नोत्तर को देखें। प्रश्नोत्तर को सबसे पहला है किं संस्कृत दिवस श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आयोज्यते? आम। किं कक्षायां निबंध प्रतियोगिता आयोजिता? नहीं। किं कक्षा